नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ, मैं दीपेश बरगले। आज बात महंगाई की मार और जनता पर हाहाकार की ही करने वाले हैं। कार्यक्रम में महंगाई के मसले को लेकर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आज होगी। दशहरा दीपावली से पहले प्रदेश में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। पेट्रोल के दाम में लगभग 25 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। 24 सितंबर के बाद से डीजल की कीमतों में 6 बार इजाफा हो चुका है तो वहीं डीजल की कीमतों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। इसके अलावा एलपीजी गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले नजर एक रिपोर्ट पर। दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने को हैं। आम आदमी त्योहार की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन महंगाई ने उनके इस उत्सव पर पानी फेर दिया। पेट्रोल के दाम में फिर लगभग 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब तेल कंपनियों ने इसमें इजाफा किया है। 24 सितंबर से लेकर अब तक पेट्रोल की कीमतों में 6 बार इजाफा हो चुका है, वही डीजल की कीमतों में तीसरी बार वृद्धि की गई। रायपुर में पेट्रोल 99.88 रूपये और डीजल 88.50 रूपये, बिलासपुर में पेट्रोल 98.24 रूपये और डीजल 88.50 रूपये, तो बस्तर में पेट्रोल 102.64 रूपये और डीजल 100.27 रूपये में है। महंगाई के बाद यही खत्म नहीं होती। घरेलू गैस की बात करें तो इसकी कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खाने पीने की चीजें पहले से ही आम आदमी की कमर तोड़ रखी। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारें महंगाई पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है। त्योहार से पहले महंगाई की मार, महंगाई से बड़ी आम लोगों की परेशानी। पेट्रोल डीजल के दाम से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। कमर्शियल सिलेंडर में 43.05 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी, जो इस अक्टूबर के महीने से कर्मचारियों को मिलने लगेगा। सरकारी कर्मचारियों को तो कुछ हद तक राहत मिल गई, लेकिन निजी क्षेत्र में काम करने वाले और छोटे व्यापारियों को राहत कैसे मिलेगी, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा। सरकार केंद्र की हो या राज्य की, दोनों की इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो मसला गंभीर है। लगातार एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और लोगों को भी अब इसका असर नजर आने लगा है। लोगों की जेब पर भी, लोगों के बजट पर भी, घरेलू अब जो समस्याएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इस महंगाई की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितिन जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश सिंह जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नितिन जी शुरुआत आपसे ही करते हैं। प्रदेश स्तर पर लगातार प्रयास हुए, इस कोरोना काल में भी बहुत बेहतर काम हुए। प्रदेश की स्थिति को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम काम करते नजर आए, यहां तक कि मंदी जैसा जो दौर था जिसका असर कोरोना काल में पूरे देश में हुआ, उसका भी छत्तीसगढ़ पर असर पड़ता नहीं आया है। लेकिन क्या महंगाई के मसले पर उस स्तर पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया, हम उसे कंट्रोल कर सकते थे? देखिए, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अभी आप मुझे कह रहे हैं कि कंट्रोल करने की बात है, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आप उठाकर देख लीजिए, सारे गूगल कर लीजिए या सारे डाटा देख लीजिए। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर खुशहाल है। यहाँ की आर्थिक स्थितियां अन्य राज्यों से बेहतर, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम पर ही मुझे लग रहा है मुख्य बहस जो है उसी मुद्दे पर है। जिस प्रकार आपने अभी बताया कि सितंबर से अभी तक की 6 बार वृद्धि हो गई, तो 2021 में जहां तक मुझे जानकारी 46 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। ये वही लोग हैं जब कुछ मामूली वृद्धि जब पेट्रोल और डीजल के दामों में होती थी, जब यूपीए की सरकार की जब पेट्रोल और डीजल के दाम 65 से 70 रुपए के आसपास और गैस का सिलेंडर लगभग 450 में मिलता था, तो स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियां जो कि नेता हैं इनकी, ये सिलेंडर सर पर रखकर संसद के बाहर प्रदर्शन करती थी और कहती थी कि महंगाई डायल। आज ये महंगाई जो डायल थी, आज वो इनके राज में अप्सरा हो गई है।
आप देखिए इसके पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने की वजह से परिवहन का जो है दरें बढ़ने की वजह से यदि हम देखें तो घरेलू सामान जो है आपका अनाज है, दाल है, तेल है, जो जरूरत की जो सामग्रियां हैं, किराना है, सब कुछ महंगा हो चुका है। नोटबंदी के बाद जिस तरीके से जीएसटी व्यापारियों पर थोपा गया इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, इससे प्रदेश के हालात किसी से छुपे नहीं है। कोरोना काल में जो लोग अपनी जान बचाए हैं वो महंगाई की वजह से पूरी तरीके से फिट रहे हैं। कोरोना के समय भी लगातार कांग्रेस ने ये मांग करती रही कि आम नागरिक तक के गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी जेब तक के पैसा पहुंचे, ऐसा कुछ काम किया जाए पर नहीं किया गया, उल्टा जेब पर टांके डालने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया। हर मोर्चे पर ये सरकार विफल है। महंगाई के मामले पर जो लोग प्याज की माला पहनकर संसद के बाद प्रदर्शन करते थे, आज ये शर्म करनी चाहिए, डूब जाना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। मुख्य जड़ जो है बिल्कुल महंगाई की मुख्य जड़ बीजेपी को आप बता रहे हैं। रजनीश जी हमारे जुड़े हुए हैं। रजनीश सिंह जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और सवाल यहीं से शुरू होता था कि 2014 के पहले जिस महंगाई के मसले को विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने बहुत ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया, उसके बाद सत्ता में आप लोग आज तक बने हुए हैं और वही महंगाई अब और लगातार बढ़ती जा रही है। जो पेट्रोल डीजल के दाम उस समय थे, क्रूड ऑयल के दाम उस समय थे, क्रूड ऑयल के दाम तो कम हो रहे हैं लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? नितिन जी तो यहां तक कह रहे हैं कि महंगाई की मुख्य जड़ बीजेपी ही है। मैं दीपेश जी एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं उनसे जानना चाहूंगा और जवाब देंगे कि 2004 से 14 तक में 2004 में माननीय अटल जी ने जब इस देश का प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, यूपीए की सरकार आई थी, तो 4 से 14 तक 4 में डीजल की रेट क्या थी, पेट्रोल की रेट क्या थी और गैस सिलेंडर की क्या स्थिति थी। इनको जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर 6 सिलेंडर देंगे, 3 सिलेंडर देंगे, ये 2014 तक लड़ाई लड़ रहे थे, देश ने देखा है। और 2014 में जो देश में डीजल 35 रुपया मिलता था 70 रुपया लेके गए थे, 41 रुपया पेट्रोल था 78 रुपया लेके गए थे, कौन सा आपदा था ये 10 साल। अब रही बात अभी की, कोरोना काल में निश्चित रूप से देश में विपत्ति आई है, देश के सारे विकास के काम हो रहे हैं, देश में फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है, देश के अन्य जो चीजें हैं केंद्र सरकार इनको भारी भरकम राशि भारी भरकम योजनाएं दे रही है और उसके बाद हम लोगों से इसी तरह वसूला जाएगा हुई है और आने वाले समय में कम होगी हमको अगर मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। जी मैं इसके पास जवाब देता हूँ। नहीं, अगर हमको मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, अगर मिलेगी तो उन सबका पैसा हमसे इसी तरह से लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ दीपेश जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने जो सारे विकास काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए अन्न दे रहे हैं, सबको फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है वो भी कारण आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक कर्ज लेके जो 10 साल में रखे थे उस कर्ज को पटा रहे हैं और बाकी जो खुलकर क्यों नहीं कहते हैं, खुलकर कहिए ना भारी पेट्रोल इतना महंगा हम बेच रहे हैं, महंगाई इसलिए हम बढ़ा रहे हैं कि हमें ये सारी चीजों को फुलफिल करना है, कह दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, खुलकर कहिए कि अगर हमें गरीब लोगों को मुफ्त में सिलेंडर बांटने हैं तो उस सिलेंडर का पैसा आप हमसे लेंगे, बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दीपेश जी। माननीय मोदी जी 7 साल से हर महंगाई के खाद्य पदार्थों पर 2014 से 2021 को जोड़ के देख के बताएं, 2014 में जो खाने पीने की चीज थी क्या रेट थी और आज क्या है, नंबर एक। नंबर दो, जो छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है और जब अर्थव्यवस्था चौपट होती है तो महंगाई बढ़ती है। ये 40,000 करोड़ का कर्ज लेके 80,000 करोड़ कर दिए जो 38,000 था, और जब अर्थव्यवस्था का चौपट होता है तो निश्चित रूप से जो विकास की दर है कम होती है, महंगाई बढ़ता है और आने वाले समय में और देखिएगा क्या हाल होने वाली है। तो ये क्या छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है, महंगाई नहीं है, डीजल पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, इनको वह टैक्स कितना मिलता है
वैट टैक्स के बारे में बताएं, वैट जीएसटी के बारे में जो बोल रहे हैं, जीएसटी के बारे में बताएं कि राज्य सरकार नितिन जी, नितिन जी मैं आ रहा हूं, आपको भी वक्त दूंगा रजनीश जी, तो फिर वैट वो वैट फिर मध्य प्रदेश में भी कम करवा दीजिए सर, कर्नाटक में भी करवा दीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी कम करवा दीजिए। अगर छत्तीसगढ़ में ही वैट ज्यादा है तो इन प्रदेशों में नहीं है क्या सर? मध्य प्रदेश में कम किया गया है दीपेश जी। दूसरी बात, यदि हम छत्तीसगढ़ में जो बड़ी बड़ी बातें, छत्तीसगढ़ से ज्यादा है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी को भी एक बार ऐड कर लेते हैं। किसी में 35% जीएसटी ले रही है, कम क्यों नहीं कर रही है? ठीक है सर, लौटता हूँ आपके पास, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी को भी हमारे साथ जोड़ लेते हैं, लौट रहा हूँ नितिन जी, आपसे भी जवाब लूंगा। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, अगर कांग्रेस लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, तब फिर उसे मुद्दा बनाने में कहाँ पीछे हट जाती है एक, और दूसरी चीज यहाँ पर ये खड़ी होती है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मुद्दों को कांग्रेस बुनाने की कोशिश करती भी है तो क्या आम जनता का उस तरह से साथ मिलता है? जी, वाजिब सवाल है आपका। देखिए, जब भी महंगाई का असर आम पब्लिक पर पड़ता है, फिजिकली जो बड़े लोग हैं उन पर महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई का फर्क पड़ता है छोटे लोगों पर, आम लोगों पर, तो इसके लिए केवल कोई एक सरकार, ना तो उस स्टेट की या सेंटर की, अकेली जिम्मेदार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप डीजल पेट्रोल का ही ले लो, डीजल पेट्रोल में अगर हम वेट में कुछ रिड्यूस कर दे तो स्टेट गवर्नमेंट राहत दे सकती है, और अगर सेंट्रल अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो वो राहत दे सकती है। लेकिन मैं फिर भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मैंने पूरे देश की स्टेट का इसमें स्टडी की है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश पर कितना वेट है, राजस्थान में भी बहुत वेट है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उन कंपेयर में कम है, तो कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास तो किया है। लेकिन मैं सीधी सीधी कहूंगा, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, जब खुले मार्केट में रेट निर्धारित होता है तो फिर जब क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटते हैं तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं घटा रही है, उसी एवज में स्टेट गवर्नमेंट वेट क्यों नहीं घटाती है? यानी वेट घटाए और वो एक्साइज ड्यूटी कम करें, आपने देखा होगा एक्साइज ड्यूटी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है जबकि क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाते हैं। आप एक साल पहले का उदाहरण ले लें, एक साल पहले क्रूड ऑयल के दाम जो थे लगभग वही दाम अभी हैं, लेकिन आज भारतीय बाजार में पेट्रोल या डीजल की कीमत एक साल पहले जो थी वो आज है क्या? नहीं है। इसके पीछे क्या है? कहीं ना कहीं आपको बताया कि डीजल और पेट्रोल एक दूसरे एक ऐसे कम्योडिटी है जिनके कारण कहीं का भी जो जिसकी इकोनॉमी होती है उसका बहुत बड़ा पार्ट ये कवर करते हैं। अगर कोई सरकार चाहती है कि तुरंत रिकवरी एक अच्छा रेवेन्यू चाहिए हो तो इसके माध्यम से रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान आम पब्लिक को होता है जो कोरोना से हिट है। आपको कोरोना के बढ़ने के कारण महंगाई की एक मार तो अपने आप में पड़ी है, लेकिन डीजल पेट्रोल गैस थोड़ा सा कम, लेकिन डीजल पेट्रोल तो आम आदमी की जिंदगी का मुख्य पार्ट है। अगर उस पर ही महंगाई होगी तो हर चीज पर उसके पर महंगाई का प्रभाव पड़ेगा और उससे किसकी कमर टूटेगी? आम आदमी की। जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 5% बढ़ा दिया, उनका डीए बढ़ा दिया, उससे थोड़ी सी उनको राहत मिली, सैलरी में या बेसिक पर बढ़ाते हैं तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन मजदूर को क्या राहत मिली, किसान को क्या राहत मिली, व्यापारी को हल्के फुल्के व्यापारी को क्या राहत मिली? यही सबसे महत्वपूर्ण है कि कोविड काल में अगर चीजें बड़ी हैं और पेट्रोल डीजल पर जो वैट का आप जिक्र कर रहे हैं उसी को लेकर अब मैं सवाल लेकर आ रहा हूं नितिन जी, सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि अगर पेट्रोल डीजल या पेट्रोलियम पदार्थों से केंद्र सरकार को फायदा है तो राज्य को भी कम नहीं है, लगभग 27% आप लोग ले जाते हैं और 39% केंद्र सरकार ले जाती है एक। दूसरी चीज, अगर पिछले कुछ दिनों का जिक्र किया जाए या कुछ महीनों का आंकड़ा देखा जाए तो 2106 करोड़ रुपए का लाभ पिछले 5 महीनों में प्रदेश सरकार को भी आया पेट्रोलियम पदार्थों से, तो अगर ये फायदा हमें हो रहा है तो इसका लाभ भी तो जनता को पहुंचाना चाहिए ना। अगर हम उन चीजों से कमा रहे हैं, अगर उन चीजों से हम अपने स्तर पर प्रदेश की जनता के लिए कुछ दूसरा काम कर रहे हैं तो फिर महंगाई में फायदा भी हम पहुंचा सकते हैं। हमारे साथी प्रवक्ता आदरणीय रंजीत सिंह जी ने आज ये बात तो जरूर बोल दी कि गैस सिलेंडर दे रहे हैं और मुफ्त अनाज दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री
कंपनी में दे रहे हैं, तो वसूली वो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर लिया उन्होंने। अब आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लाभ दे रहे हैं, मेरे मैं बता दूं पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां पर समर्थन मूल्य में 2500 रुपए किसानों को धान का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। यहां पर गौधन न्याय योजना के माध्यम से सरकार जो है वो 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रही है। इसके अलावा आपको बता दूं जीए बढ़े हैं, नई सरकारी नौकरियां बढ़ी है। हम रोजगार की बात करें तो केंद्रीय जो आंकड़े हैं रोजगार के उससे आधे छत्तीसगढ़ वो सब पेट्रोल डीजल के वेट से ही हो रहा है ना, प्लस उसके साथ जो टैक्स लगा हुआ है। पेट्रोल डीजल का वेट नहीं है, वही सवाल मैंने रजनी जी से भी किया था, वही आपसे भी। समानांतर रूप से सारी चीजें चल रही है और ये जो वेट जिस वेट टैक्स की जो बात की 15 साल इन्होंने भी शासन किया, इन्होंने तो कम 2018 में 21 कर दिया था, 2018 में 21 कर दिया था सर, 2019 में फिर आप लोगों ने बढ़ा दिया। नहीं तो उतना ही था, इन्होंने चुनाव के समय सिर्फ 4 महीने पहले कम किया था और ये तो आज भी उसी चाल में चलते हैं। जब चुनाव आते हैं, जब 4 राज्यों में आप देख लीजिएगा, लेकिन उसके बाद भी सर डीजल पर आप 26% नहीं रखे हैं मध्यप्रदेश। सुन लीजिए नितिन जी सवाल यहाँ पर ये है, डीजल के अगर वैट का जिक्र किया जाए तो आप 26% से ऊपर ले रखेंगे, प्लस उसमें 1% का सेस भी है। दूसरे अगर प्रदेशों का जिक्र किया जाए तो वहां पर तो और कम है, राजस्थान को छोड़ दिया जाए, मध्यप्रदेश में कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, महाराष्ट्र में कम है, दिल्ली में कम है, तो ये अगर थोड़ा सा कम करेंगे तो उसका फायदा डायरेक्ट जनता को मिलेगा सर। 2014 से 2021 के आंकड़े कम और ज्यादा के निकालने बैठूंगा नितिन जी, तो ये जीवेट आधे घंटे का भी कम पड़ेगा। अभी मुझे ये रजनेश सिंह जी कह रहे थे तो मैं बता दूं आपको कि 14 से 21 के आंकड़ों में यदि हम इनकी पेट्रोल डीजल और महंगाई बढ़ने के नाम पर चीजों में जो दामों में जो वृद्धि हुई, तो मैं बता दूं 2021 से अभी तक के दाल 12%, प्याज 23%, 20%, तिलहन 36%, खाने पीने के दूसरे सामान 5%, किराना 40%, 50% तक महंगे हुए हैं। और इस महंगाई की पूरी जड़ यदि आप देखेंगे, इन्होंने उत्पादन शुल्क पेट्रोल और डीजल नहीं, तो मैंने एक सवाल नितिन जी, मैंने एक सवाल इसी मसले को लेकर डॉक्टर शर्मा से पूछा था, उस सवाल का जरा जवाब आप भी दीजिए सर। अगर पूरे देश में महंगाई कितनी मार है तो क्या कांग्रेस उसे मुद्दा बनाने में कहीं कमजोर हो रही है? एक और अगर मुद्दा बनाते आपको हम देख भी रखे हैं, अगर छत्तीसगढ़ में हमने आपको प्रदर्शन करते हुए देखा भी, और अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि नहीं हाँ प्रदेश में और देश में कांग्रेस इसे मसला और मुद्दा बना रखी है, तो क्या आम जनता का साथ नहीं मिल रहा आप लोगों को? ये मुद्दा नहीं है, तो जनहित की बात, तो फिर जनहित का समर्थन कांग्रेस को मिलता क्यों नहीं दिखाई दे रहा सर? क्यों नहीं मिलेगा? अरे दीजिए 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है, 2024 में यही ना, मतलब आप लोगों ने भी इसे चुनावी ही नहीं मतलब यही है ना सर कि आप लोग भी इसे चुनावी मसले से जोड़ कर देखते हैं, आम जनता के हित के लिए इसे नहीं देखा जाता, इसे चुनावी हित से ही देखते हैं। नितिन जी ये चुनावी हित है, हितों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, चुनाव आप नहीं कहा सर, आप ही कह रहे हैं कि आने दीजिए 2023 का चुनाव, हम जनता के बीच जाएंगे और यही बताएंगे। आज क्यों नहीं सर, आज 2021 जनता परेशान है। अरे ये सुनी नहीं है, ये सुनी नहीं है, आज हाहाकार मचा हुआ है महंगाई के नाम पर, जहां कोरोना काल के बाद आम जनता को राहत देने का काम करना, तो महंगाई का बोझ सौंप दिया है। कौन कहता है ये जनता का लाने के भाव 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बताएगी? देखिएगा ये जो ठीक है सर, आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये तो बता दिया कि राजनीतिक अगर मसला है तो महंगाई सिर्फ राजनीति के लिहाज से ही देखा जाता है, आम जनता के हित के लिहाज से कोई राजनीतिक दल इसे नहीं देखता। ठीक है सर, लौट रहा हूँ नितिन जी, लौट रहा हूँ रजनीश जी से भी इसी को लेकर एक सवाल कर लेता हूँ। रजनीश जी आप लोग मानते हैं या नहीं कि महंगाई अभी वर्तमान परिस्थिति में देश में एक बड़ा मसला है, एक बड़ा मुद्दा है, भयावह स्थिति है महंगाई को लेकर, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? दीपेश जी पहले तो ये जो 2024 की बात कर रहे हैं उसके पहले 2023 आने वाला है और 2023 में इनकी क्या हसर होगी, 24 में बात करने लायक नहीं बचेंगे। और रही बात महंगाई देश की जो आप बोल रहे हैं कि मुद्दा है कि नहीं, निश्चित रूप से हम मान रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की जो भाव अभी आपदा मानते हैं कि नहीं, पीछे जो 2-3 कोरोना के काल के कारण नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी चीज को आ रहा हूँ,
दीपेश जी कि एक डीजल और पेट्रोल को छोड़ दे तो आप 2014 में किसी चीज का, चाहे दाल हो, खाने पीने का आटा हो, गेहूं हो, शक्कर हो, तेल हो, उसमें एक न्यूनतम ये हो रहा है, इनके जैसे नहीं हो रहा है। आटा 2014 में कितना किसी चल रहा था, 35 रुपया, अभी जो प्रतिशत में बता रहे थे ना, हवा हवाई बात, हवा हवाई बात मत करे, प्रतिशत में बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। प्याज 40 रुपया 2014 में, गेहूं का रेट क्या था, 22 रुपया 34 रुपया, चावल का रेट क्या था, 38 रुपया 40 रुपया का रेट बताएंगे सर। वो यदि कोरोना काल में, और सब्जी का रेट छत्तीसगढ़ में जो लोगों के पास पहुंच चुका, तेल के रेट में तो आप आएंगे नहीं जी। लेकिन इससे इतर रजनीश जी, मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसे आपदा नहीं मानती? क्योंकि अगर मैं इसलिए बार बार आपदा का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अगर ब्रजमोहन अग्रवाल साहब ये कहते हैं कि जो लोग इसे आपदा मानते हैं वो खाना पीना छोड़ दें, तो एक तो ऊपर से महंगाई, दूसरा राजनीतिक दल इसे राजनीतिक मसला समझते हैं, और तीसरा ऊपर इस तरह के बयानबाजी, क्या लोग जीना भी छोड़ दें सर? मैं देखिए दीपेश जी, मैं बयान के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन एक चीज जरूर बता रहा हूं कि जो महंगाई 2014 में इनके 10 साल के कुशासन में रही है, आज देश में बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियां आई है, उसके बाद भी खाने पीने का चीज उस स्तर पर, अभी वो बोल रहे थे ना आधा घंटे कम होगा, किसी दिन सिर्फ एक रेट लेके अथेंटिक बैठ जाएंगे और मैं भी बैठूंगा, मेरे को सब याद है। तो अभी 2021 14 से 21 में जोड़ के देख लें, 14 में क्या रेट दे के गए थे, खाने पीने का तेल सामग्री सब्जी का क्या रेट था, और अभी का आज एवरेज निकाल के देखिए लगभग स्थिर है दाम। एक कोरोना काल में इतने विपरीत परिस्थितियों में लगातार देश 4 महीना 6 महीना लॉकडाउन से गुजरा है, लगातार अभी हम परिस्थितियों को झेल रहे हैं, डीजल पेट्रोल को छोड़ दें, और गैस सिलेंडर किस मुंह से बात करेंगे, 2014 में 6 सिलेंडर देंगे, 9 सिलेंडर देंगे, सिलेंडर नहीं दे पा रहे थे, सिलेंडर की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। लेकिन आने वाले समय में दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखेगा, वही जब क्रूड आयल कम कर लेते ना, जीएसटी के मसले पर अगर चर्चा होती है, जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बना लेते। कर्नाटक विरोध कर रहा है, मध्य प्रदेश विरोध कर रहा है, अगर विरोध आपके ही पार्टी के प्रदेश करते रहेंगे तो कैसे पेट्रोल डीजल कम होगा सर? यही सबसे बड़ा सवाल है। लौटता हूं आपके पास, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सवाल राजनीतिक है और वो इस लिहाज से है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और बीजेपी हो या कांग्रेस, अगर इस महंगाई के मसले को राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो फिर ये चुनाव पर चले जाते हैं और इसे आम जनता की भलाई के लिहाज से देखते नहीं है। यही वजह है कि आम जनता त्रस्त होती है, और ऊपर से बयानबाजियां इस तरह की कि अगर आपको महंगाई आपदा लग रही है तो खाना पीना छोड़ दीजिए। जी जी दीपेश जी, पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं, मेरा दिमाग से सिलेक्ट हो गया था, मैं जवाब नहीं दे पाया था, महत्वपूर्ण सवाल था वो एक्चुअली, क्योंकि 2014 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के कारण और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण गई। इसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मुख्य रूप से यही दोनों मुद्दे उठाए, और साथ में बीच में हिंदुत्व का मुद्दा और नेशनलिज्म का मुद्दा हल्के स्तर पर था, 2019 में वो ज्यादा गहराई पर पहुंची। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि कांग्रेस की आज की डेट में सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है तो वो आक्रामक विपक्ष नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप, मैं फिर भी कहूंगा कि जितनी भी स्टेट यूनिट्स हैं कांग्रेस की वो तो मजबूती से काम कर रही हैं, लेकिन जितनी मजबूती से स्टेट्स काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए उतना सेंट्रल लीडरशिप मजबूत नहीं है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा दर्द है, कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। अगर इस मुद्दे को दो महीनाओं का जैसे नाम अभी भाजपा कांग्रेस के लीडर ने लिए थे, हेमा मालिनी और इन दोनों ने चुड़ियां दिखा के कांग्रेस को बदनाम कहीं ना कहीं, और यही वजह थी कि वो महंगाई के मसले को लेकर भी आम जनता का जो साथ मिला उसने एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने में मदद की थी, और यही वजह है कि अगर कांग्रेस इस मसले को उठाती है तो शायद फायदा मिल सकता है। खैर, क्योंकि समय का अभाव है सर, माफी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।